इंतजार चल रहा है जी, ये कैसे खत्म होगा? ये खत्म होगा अगर वफाक और सिंध गवर्नमेंट जो ऑर्डर देते हैं इनको वो वापस लिए जाए, उनसे खुद जाके इस पे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अगर ये बात नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? चैनल बंद कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम अपने बच्चों को लेके लांचे लेके एक तो चैनल बंद करेंगे, हुकूमत को दिखा देंगे कि हम अकेले नहीं है, सारे माइग्रेंट एक साथ है, सबका एक ही मुफाद है, हम पूरे गवर्नमेंट को हिला के रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसकी खूबसूरती ये भी है कि ये समंदर के किनारे पर है और यहाँ पे लाखों की तादाद में मछेरे हैं। ये मछेरे आजकल बहुत परेशान है, पिछले 3 हफ्तों से ये शिकार पर नहीं जा रहे। मैं किमाड़ी पहुंच गया हूँ, अब मैं इस बोट पे बैठकर बाबा आइलैंड एक जगह है जहाँ पे कराची के सारे मछेरे जमा हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। असल मामला ये है कि आखिर वो जो मासूमियत के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल नहीं है, जो टैक्स पूरा देते हैं, अब जो बहुत इंसाफ के साथ काम करते हैं, वो तंग क्यों हैं? उन्हें कौन तंग कर रहा है? सिंध हुकूमत तंग कर रही है, वफाक तंग कर रहा है, कौन तंग कर रहा है, वजूहात क्या है? आइए देखते हैं, फिर मैं आपको वहां चल के भी सूरत हाल बताऊंगा। मैं बुनियादी तौर पर किमाड़ी से मनोड़ा की तरफ जा रहा हूं। मनोड़ा से पहले बाबा एक आइलैंड है और उस आइलैंड के ऊपर सुना यह है कि सारे मछेरे आज इज्तिमा कर रहे हैं। या आपको पीछे लॉन्च से नजर आ रही है, उस पर हर लॉन्च पर पाकिस्तान का झंडा लगा है। ये स्ट्राइक चल रही है, पिछले 2-3 हफ्तों से स्ट्राइक है और ये मछेरे नहीं जा रहे मछली पकड़ने के लिए। कोविड का मसला नहीं है, ना ही मसला कोई उनकी अपनी जाति ब्रिटिश का है। उनके साथ कुछ मसाइल हुए हैं, वो सिंध हुकूमत से मुतालिक है, वो वफाकी हुकूमत से मुतालिक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ये सैकड़ों लॉन्चेस नजर आ रही हैं जो ये लोग खड़े हुए हैं और ये नहीं जा रहे और ये सब एक इज्तिमा कर रहे हैं जिसमें ये अच्छा ये इज्तिमा भी जो हो रहा है इसके अंदर कोई सियासी पहलू नहीं है, मतलब कोई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या जनाब M2M या जमात इस्लामी या कोई और सियासी जमात PTI वगैरह कोई लोग उनके शामिल नहीं है, ना ही इनका कोई MNC बता रहे हैं। ये अपने बलबूते पर जो इनकी काम को रोका गया है, कोई NOCs का मसला है, कोई जाल से मुतालिक कोई मसला है, गैस उनको नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, हेल्थ की मच्छेरे जमा हो गए। अब देखना है कि क्या है मामला। रास्ते में चलते लेकिन आप साथ साथ देखते जाए, ये सारे लॉन्चेस खड़ी हैं, इस पे कोई नहीं है और सब एहतजाज कर रहे हैं। देखते हैं वहां पहुंच के मैं आपको बताता हूँ क्या सुनते हैं। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ, मेरा टेलीविजन चैनल भी आपके साथ हो और वो तमाम दो सहबाब भी जो कि यहां नहीं आ सके, उन दो सहबाब को भी हम ये बात पहुंचाएं कि किस तरह से कराची के वारिसों की मदद करनी है, मदद क्या करनी है, इनको हक दिलवाना है, इनको आगे लेकर आना है। और ये जो पसमानगी है जो पूरी पसमानगी को खत्म करके एक तरक्की की शक्ल के अंदर उसको प्रणाल करना है। एहतजाज चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से और माहिगीर नहीं जा रहे शिकार करने के लिए, इसकी मोटी सबसे मोटी वजह क्या है, उसका हल क्या? इसकी सबसे मोटी वजह ये कि सुबह हुकूमत ने जो गाड़ी में से निकाला था 25 नवंबर का जाल का वो जाल का ऑर्डर तो हम उसमें जितने माहिगीर हैं जो लोकल माहिगीर है, असल कदीम माहिगीर है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो जो है अपनी नस्ल कशी बचाने के लिए, अपने रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है माशी। अगर हम छोटे कतरे अगर कुछ इस्तेमाल करेंगे तो हमारा समुद्र खाली हो जाएगा। एहतजाज चल रहा है जिसमें जलसा भी हो रहा है, 2 हफ्तों से माहिगीर शिकार करने नहीं जा रहे,
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एमएस के रवैये से, एमएस के रवैये से ये हो रहा है कि उन्होंने के जाल मतलब उतारना शुरू कर दिया जब अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद, क्योंकि अली जैदी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसमें एमएस का डीजी बैठे थे, कमांडर और कोस्ट गार्ड के भी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट शुरू की, जो जाल जा रहे थे फिश मछली जा रहे थे उससे जाल छीने जा रहे थे, और बाहर समुन्द्र के अंदर वहां से भी इनकी बोट जाती थी, जाल वगैरह उतारते थे, तो उसकी जो पैमाइश था पैमाइश वो उनको दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये कहते कि फिश नहीं है ये छोटा है तो ले लेते, इस वजह से दूसरे के एक एक महीने तक वो कागजात वगैरह रख लेते थे, और जब कोई लेने जाता था तो मतलब कि आप माफीनामा लिख के दो, उनको ये सजा हो जाती थी अगर लांच के कागजात सही भी है उसको एक हफ्ते का 15 दिन के बाद उसको कागजात मिलते, उसके रोजगार सबके सब माइके जैसे पाका कश्मीर चल रहा है जी। ये कैसे खत्म होगा? ये खत्म होगा अगर वफाक और सिंध गवर्नमेंट जो ऑर्डर देते हैं इनको वो वापस दिए दिया उनसे, खुद जाके इस पे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अगर ये बात नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? चैनल बंद कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम अपने बच्चों को लेके लांचे लेके एक तो चैनल बंद करेंगे, सब बनो अपना सालेहाबाद सम्स वाले यूनुस आबाद वाले अपना मारीकोट बंद करेंगे, इब्राहिम एंथनी वाले जाके अपना क्रॉसिंग पे खड़े हो जाएंगे, वो सारे जितने कैमारी के वो नेटीजी पुल पे खड़े थे, खड़े वाले वो आईसी पुल जाम करेंगे, इंशाल्लाह अगर ये हमारे मुताला पूरे ना हो तो हम ये करेंगे कि गवर्नमेंट और हुकूमत को दिखा देंगे कि हम अकेले नहीं है, सारे माइग्रेंट एक साथ है, सबका एक ही मुफाद है, हम पूरे गवर्नमेंट को हिला के रख देंगे। आप जो आवाज बैकग्राउंड में सुन रहे हैं ये माहिगीरों का जलसा हो रहा है जिसकी मेजबानी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ना पीटीआई कर रही है, ना एमक्यूएम कर रही है, ना जमात इस्लामी कर रही है, ना कोई और पार्टी कर रही है। ये सारे मछेरे जो कि हजारों की तादाद में है वो इस बात पे जमा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें रोजगार के मौके नहीं मिल रहे हैं, उन्हें तालीम के मौके नहीं मिल रहे हैं, उन्हें रोजगार को जिस तरह से उनकी तजलील हो रही है, नया एक सिलसिला शुरू हुआ है, मैं पूछूंगा किस तरह से हो रही है, जाल उनके काटे जा रहे हैं, कागजाती कार्रवाई में मसला हो रहा है। तो बेसिकली एक तरफ मामला यह है कि हुकूमत यह कह रही है कि जो दो आयरलैंड है उनको हम तरक्याती काम करेंगे, वहां पे $50 बिलियन की सरमाएकारी लाएंगे, और जो आबाद हैं सदियों से आबाद हैं ना उनके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ना तालीम मिल रही है, ना खाना पीना मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है। तो ये बड़ा बहुत बड़ा फर्क है, एक ऐसा फर्क है कि वफाकी इमरान खान साहब की बात अलग, बिलावल भुट्टो साहब की बात अलग, उनकी आपस की सियासत, और ग्राउंड पे ये जो आप देख रहे हैं मेरे गिर सैकड़ों लोग इस वक्त खड़े हुए हैं और एक जलसा भी चल रहा है, और दिल में तकलीफ हो रही है। जब ये मुझे बताया गया तो मैं आने का मकसद ये था, मेरा ख्याल ये था कि 10-15-20 लोग होंगे, लेकिन मैंने जब ये मजमा देखा है, जो लोग देखे और संजीदगी देखी है, तकलीफ देखी है, तो वाकई तकलीफ हो रही है। इमरान खान साहब को तवज्जो कैसे मिलेगी? अब मुराद अली शाह साहब को, बिलावल भुट्टो जदारी साहब को, मेरे साथ एक बहुत सीनियर माहिगीर मौजूद हैं, इनकी फैमिली 250 साल से यहां पर मछलियां पकड़ रही है, उनके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं लांच के, और तकलीफ है इनको बहुत ज्यादा। आप भी सुने, आपको भी तकलीफ होगी, क्या बड़े मसाइल हैं? बड़े मसाइल इस वक्त क्या है? सर ये हम लोग सुबह निकलते हैं 4 बजे सुबह निकलते हैं और जाते हैं नेवी पे, तो डॉक्यूमेंट चेक करें, डॉक्यूमेंट सही है, फिर जल्द आपका मसला ये अगर कुछ चेक कराऊँ लास्ट कब मछली जाने का पूछा था तो चेक करता है, तो चेक करता है तो बोल रहा है ये 25 mm नहीं है, तो हम लोग जाल जो है छोटा है, छोटा है, तो आप छोटा जाल क्यों लेकर जाते हैं? छोटा जल ना 25 mm का हमारे पास भी पड़ा है। अच्छा। तो बोलते हैं ये डायरेक्टर साहब ने किसी गवर्नमेंट, कौन कहता है कि छोटा जाल है? नेवी वाला, नेवी वाला, नेवी का तो कोई ताल्लुक नहीं, नहीं नहीं फिर तो एमएफ वाले के ही छोटा है। एमएफ वाले कौन है? अच्छा, मैरिज तो वो बोलते वापस जाओ। अरे सर ये हमको मिला हुआ है। चलो जाल का मसला, और मसला ये सर जब हम वापस आते हैं तो हमारा मसला ये हम 6 दिन का पीछे निकालते सिस्टम, 6 दिन का 6 दिन का
तो किस्तम इजाजत दे देती है, पोस्ट कार्ड इजाजत, हम लोग जाते हैं बाहर तो हवा लग जाती है, हवा लग जाती है, हवा लग जाती है, उस वजह से हम लोग पानी में लंबे एंकर फेंक के सो जाते हैं। अभी दो तीन दिन नहीं निकाले तो हमारा इधर एक हिले का भी है ना, एक दिन का खर्चा हमारा 60-70 हजार का खर्चा हो। तीसरा मसला ये अभी हम लोग नहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते, नहीं पानी का बिल भर सकते, नहीं गैस का बिल भर सकते। यहाँ पे क्या पानी है, इधर गैस है, सब कुछ बिजली है, सब कुछ बिल बिल नहीं है, बिल किधर से लाएगा? अभी 8 दिन इधर आया, एक मेरा कागजात छीन लिया, हम लोग किधर से बिल भराएंगे? चले, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद यूसुफ भट्टी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, और पूछते हैं इनसे मसाइल कैसे बिल्कुल बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। बड़े चार मसले बताए। सबसे पहला बड़ा मसला तो है पाकिस्तान कस्टम्स की जो पीसी है, पीसी का मसला ये है कि जैसे हमारे माहीगीर 6 या 8 दिन के लिए समुन्द्र में जाते हैं, वो 6 डेज के लिए अलाउ होती है, छोटी हेली की पीसी है, 6 डेज के लिए जब अलाउ होती है तो बाहर का क्लाइमेट और वेदर जो है दैट इज नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, 6 दिन से ज्यादा होनी चाहिए, हो जाते हैं, हाँ मतलब होनी चाहिए, चाहिए। अप्रोक्सीमेट अप टू 10 डेज होनी चाहिए उसको, और दूसरा के वो 1-2 दिन तक जो है ना उसमें एक मार्जिन उनको मिल सके। दूसरा बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास प्रॉपर SOPs नहीं है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, SPS, KFHA अमंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इदारे हैं उसके दरमियान, MSA जो भी है। अब उसमें प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जो गेज होता है हमारा 25 mm का अलाउडेड है, बाकी बिलो द 25 mm वो बैंड है, उसको हम बैंड नेट कहते हैं, वो अलाउ नहीं है। बैंड नेट जो है वो अपने उन्होंने अपने गेज रखे हुए हैं, उससे वो नापते हैं, उसकी खोलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना प्रॉपर नहीं है, वो जाले रख लेते हैं, कागजात जमा कर लेते हैं। दो मसले हो गए। अब जब ये वापस जब कस्टम पीसी अगर वो 10 डेज की नहीं है और ये रिटर्न होके आ जाते हैं, अगर 3 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, कागजात वो जब्त कर लेते हैं, प्रॉपरली उनका एक चैनल है, उसके SOPs बने हुए हैं, वो जब्त कर लेते हैं, उसमें वो NIC भी जो है ना अपने पास रिकॉर्ड करेंगे रख लेते हैं, ओरिजिनल NIC, क्योंकि एक हर इंसान की अपनी ज़रूरत होती है। अब मैं कहीं भी सिटी टू सिटी भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे रोज़मर्रा के लिए NIC की ज़रूरत होती है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को जो है ना प्रॉपर SOP। अब उसमें प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जो गेज होता है हमारा 25 mm का अलाउडेड है, बाकी बिलो द 25 mm वो बैंड है, उसको हम बैंड नेट कहते हैं, वो अलाउ नहीं है। बैंड नेट जो है वो अपने उन्होंने अपने गेज रखे हुए हैं, उससे वो नापते हैं, उसकी खोलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना प्रॉपर नहीं है, वो जाले रख लेते हैं, कागजात जमा कर लेते हैं। तो आप बताएं सबसे बड़ा मसला यहाँ का क्या है? सर हम लोग बाहर जाते हैं समुद्र में, कागजात छीन लेते हैं MSA वाले, नेवी वाले, फिर माफीनामे के लिए हम लोग को माफीनामा बनाना पड़ता है, माफीनामा बनाया कि माफीनामा तो कोई गुनाह तो नहीं किया है, हम लोग 25 mm गवर्नमेंट हुकूमत ने अलाउ किया है, वो जाला हमारे पास है, इसके बावजूद भी हम लोग से जाला छीन लेते हैं। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा गांव में लाइट नहीं है और बिजली नहीं होता है, गैस नहीं होता है, सारा दिन गैस का मसला होता है, लाइट का मसला होता है, ये हम लोग का मसला है। पाइप भी लगे हुए, इसमें पानी नहीं आ रहा है। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? बिजली भी नहीं होता है, गैस भी नहीं होता है, धंधे का भी रुकता है, वहाँ जगह पैसे करते हम लोगों को। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? सर मसला हमारा सबसे बड़ा ये जो नेवी वाले हैं जो कागज छीन देते हैं हम लोगों से, जो जाल तो हमारे पास है, हाँ 25 mm, हाँ लेकिन वो कहते हैं कि ये जाल 25 mm नहीं है। जाल का मसला है, जाल का मसला है, और हाँ। मार्केट में फिशरी का मसला है, PC का मसला है हमारा। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा ये है ना जो जाले का मसला है, काट देते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो जाने नहीं देते, वापस कर देते हैं, अभी वापस जाने में भी हमारा 20-25 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? तो मसला क्या है, ये हमारी जो माहीगीर है, ये नई नई जो पाबंदियाँ लग रही हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, उसकी वजह से परेशान है, अपना रोजगार जो है वो ठीक से कमा नहीं सकते, और अब ना हमारी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान है, ना सियासी लीडर कोई आ रहे हैं इन मसलों को हल करने के लिए, हमारे पास ऐसी कोई शख्सियत नहीं है, तो हमारे जो रहनुमा है वो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई आगे तो हो, सुनने वाला तो हो, हमारी सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पे ये गरीब माहीगीर है, इनके लिए बहुत बड़ा मसला है, इनके जाले काटे जाते हैं, इनको पकड़ते हैं, ये गरीब माहीगीर है और क्या, इनका क्या मसला है, ये गरीब माहीगीर है, इनके साथ जुल्म हो रहे हैं। और दूसरा
फिशरी के अंदर जो मामलात है आपको इसका पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद फिशरी वाला हूँ। ये मेरा ये कार्ड है, मैं मोल होल्डर कदीम पुराना हूँ। ये आपने 99 का कार्ड, 99 का, लेकिन जवान थे। वालिद हमारा पुराना, ये दिखा लो। और आज हमारे 10 मोल थे, आज हुकूमत सिंध ने 75 मोल बना दिए, गैर कानूनी मोल बनाए। इन सब मोलों को रिजेक्ट किया जाए और सबको, और जितने 100% के ऊपर चलते पड़े। हमारे टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह कोई परसेंट नहीं होता था। आज हम लाख रुपए का मच्छी उसके बेचते थे, 6% काटते थे। आज वो मच्छी बेचते 50% काटते, 60% काटते। जो पूछ रहे हैं मुझसे, हुकूमत क्या कोई भी पूछे, सदर पाकिस्तान भी पूछे, इंशाल्लाह उसको भी जवाब दूंगा। अब्दुल कयूम खान साहब जबरदस्त, मैं अब्दुल कयूम खान नक्शबंदी शाजरी, अब्दुल कयूम खान संगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू ले लिया, आपका बहुत मेहरबान। वाले नेवी के बेच है, एमएस के बेच है, जीपीएस के बेच, किसका भी, उसको भी जरूरत हम लोग की पड़ती है कक्षों की। जिधर भी आज तक हम लोग ऐसे बंदे मौजूद है यहाँ पर जो बगैर कंपास के, बगैर जीपीएस के जिधर बोलो उधर लेके जा सकते हैं। ये नेविगेशन वाले लोग, जो जीपीएस वाले लोग को नहीं पहुंच सकते, उसको अचानक जीपीएस या नेविगेटर खराब हो गया, तो ऐसा बंदा तो होना चाहिए किसी भी बोर्ड के अंदर या नेवी के अंदर। जाए पाकिस्तान तो है जिंदाबाद, हम बोलते हैं हम लोग हर वक्त तैयार है। ये जो आपने मसाइल सुने, बुनियादी तौर पर जो मसाइल निकल कर आ रहे हैं वो इतने बड़े हैं नहीं, ये सिंध हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी है, वफाकी हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी है। ये सारे मछेरे, उनके बच्चे सब चाहते हैं उन्हें उनके हकूक मिले, और बुनियादी तौर पर खाना पीना, रोजगार, गैस, पानी, तमाम चीजें मिले, और ये गंदगी न हो, क्लियर हो। जैसे कि मैंने आपको रास्ते में भी पानी दिखाया था कि गंदगी कितनी ज्यादा है, और ये मछेरे जो आज बैठे हुए मुतालबात कर रहे हैं, ये मुतालबात हुकूमत को खुद से हल करना चाहिए। मैं प्रोग्राम यहाँ खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए एक्शन शुरू होगा। तो मेरे साथ आप सब लोग मिलकर नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।